गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो हमारा थोरी क्या कर रहा है। सो गाइस, कल थोर को लग गई थी चोट। ए थोरी सुनना, थोरी सुन, ओए सुन। अब देखो वीडियो, पहले वीडियो चालू होते ही एकदम एक्टिव हो जाता था, आज वीडियो चालू होते ही गाइस देखो कैसा बैठ गया है। गाइस कल देखो इसका ये वाला नाखून टूट गया था, ये वाला नाखून टूट गया था इसका, क्योंकि कल ये जानकी के साथ गया था फ्रेश होने के लिए। इसको मैं वॉशरूम ले गई थी, हमारी जहाँ गाड़ी रखते है ना उधर की साइड। तो इसने क्या किया, मेरे हाथ में तो ये मैंने पकड़ा हुआ था, पर उसके आगे एक वो जंगली जैसा कुत्ता भागा ना, जंगली मतलब स्ट्रीट डॉग था वो अलग ही था, कोई नया था उसका, कोई हमारी सोसाइटी का नहीं था, वो दूसरी सोसाइटी का था पीछे वाली। तो वहाँ पे जो हमारी वो वॉल नहीं इधर बनी हुई है ना, जो हमारी सोसाइटी में, वो वॉल का एक टुकड़ा गिर गया है, तो उसमें से वो आ गया था। तो ये भाई ऐसे जोर से भागा ना, पर वो आगे बहुत पानी भरा हुआ था, तो मैं भाग नहीं पाई। वो वाले कंपाउंड में एक्चुअली पानी था कांच, तो मैं यानी भाग नहीं पाई उसके पीछे, तो मेरे हाथ से वो छूट गई रस्सी इसकी। तो ये इतना तेज भागा है उसके पीछे, और फिर मैं तो इतनी घबरा गई, मैंने 10 आवाज लगाई पर सुन नहीं रहा था। फिर हबी गए अपनी एक्टिव वाले के, प्रियांशी को बिठा के, और फिर वहाँ उस साइड कोई अंकल ने पकड़ के रखा था इसको इसके बेल्ट के साथ। तो गाइस बड़ी मुश्किल से लाए थे इसको, और देखो वो अंकल काफी हेल्पफुल। ये देखो गाइस पूजा हो चुकी है मस्त प्रियांशी ने की है। आज तो संडे है तो मैं तो रेडी नहीं हूँ, अभी मैं आम रस बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद। सो गाइस घर में बन रहा है मैंगो का जूस, और ये थोर के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है खाली हल्दी डाल के। आज हल्दी वाली खिचड़ी खाएगा ये भाई। इसको हमने वैसे तो पट्टी भी करवा दी थी कल, और इंजेक्शन वगैरह भी दिलवा दिए थे, एंटीबायोटिक दवाई भी दे दी थी। तो एक अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, जिन्होंने हमारे थोर को पकड़ के रखा था, और उनकी हिम्मत है, काफी अच्छे से पकड़ा था। और हमारा थोर वैसे तो बहुत समझदार है, इसलिए उन्होंने उसने अरे मैं जैसे ही वहाँ गया ना, तो वो अंकल के हाथ में ही था, तो अंकल बोले आपका डॉग है। मैंने बोला हाँ, मैंने कुछ किया तो नहीं ना किसी को। अरे नहीं नहीं बड़ा प्यारा डॉग है, तो बड़े शांति से बैठा था। बोलो एक अननोन पर्सन थे वो अंकल, उन्होंने उसको पकड़ के रखा था। बोलो ये भाई को देखो, ये भी देखो थोर के साथ साथ, ये देखो कैसे देख रहा है, देखो ओए टाइगर। तो गाइस देखो एक इसके यहाँ भी लगा है, ये इसके पीछे वाले ये वाले हिस्से में, सो यहाँ भी, यहाँ भी इसको चोट आ गई थी। और ये जो लास्ट वाला इसका, ये जो नाखून है ना, ये दिख रहा है, ये पूरा जो निकल गया है यहाँ से, पर अब इसमें नाखून नहीं आएगा, पर डॉक्टर ने बोला कि सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस डॉक्टर ने बोला इसको कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही है। देखो बेचारा अपने नाखून को भी चाट रहा है बार बार। ए थोरी क्या हुआ था, पापा बुला रहे थे। ए थोरी देखना, थोरी मेरा मुंह मत देख, मैंने क्या लगाया है वो देख रहा है, मम्मी ने मुंह पे क्या लगाया, देखना कहीं तुझे लपकना ले ऐसे मुंह। कौन आया, कौन आया? देखो गाइस आज इतना एक्टिव नहीं है, वरना कौन आया देखते ही तो ऐसा एक्टिव हो जाता है। मम्मी ने थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा ना इसको भी, इसलिए एक्टिव नहीं है आज। खाएगा ना खिचड़ी खाएगा। और वो भाई जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, व्हाइट वाला पता नहीं, वो लगता है ऊपर प्रियांशी के साथ है। काफी ज्यादा पसंद है ये खिचड़ी में घी, वो घी का दही डलवा के खाएगा, और पर उसमें हल्दी और दही। हाँ, खाली हल्दी डाल के खिचड़ी बनाइए, नमक नहीं डालते। सो ओ भाई देखो गाइस अभी भी चाट रहा है इसको, बेचारे को लगी हुई है। सो देखो कल से हमारी निशिता के कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भाई की डॉटर है। कल गए थे गाइस हम लोग पारुल यूनिवर्सिटी, और निशिता के जो भी फीस वगैरह थी कल हम लोगों ने भर दी थी। तो कल निशिता अपनी कजिन के साथ ही जाएगी, नैन्सी है जो हमारी वो भाई की डॉटर, तो वो दोनों का टाइम एक ही है, तो वो दोनों एक साथ ही जाएंगे कॉलेज में। और बहुत जल्दी गाइस धर्मेश सर आने वाले हैं, निशु का डांस कॉम्पिटिशन है उसमें। निशिता जो डांस क्लास में जा रही है ना, लेट्स डांस एकेडमी, तो उसमें कुछ शूट वगैरह वो है। जो डांसर है धर्मेश वो आने वाले हैं, एमजे शो होने वाला है, माइकल जैक्सन वाला शो। गाइस माइकल जैक्सन वाला शो होने वाला है, जिसमें प्रियांशी ने और निशिता पार्ट लेगी, दोनों ने पार्ट लिया हुआ है। अभी टाइम है एक महीना, सो हम लोग दिखाएंगे वो कैसा होगा। और ये भाई को लगी हुई है भूख, और कल तो प्रियांशी भी भागी थी है थोर को पकड़ने के लिए, जाएंगे ऊपर है ना बेटा, इसकी तही लगेगी। कल गाइस प्रियांशी भी ऐसी भागी, मेरे साथ गई थी एक्टिवा पर, और ये भाई आगे, ये भाई आगे, ये आ गया, ये देखो इसको ना बाहर ही जाना होता है। ये देखो सफेदी की झनकार आ गई घर में वापस, ये पता नहीं कहाँ घूम रही थी। मारेगा वो बाहर वाला बिल्ला, फिर बोलना नहीं। नहीं 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 अभी लड़ मरेंगे, ऐसे मत कर। देखो देखो कैसे चिपकता है, और
देखो हमारे थोर भाई की ये दवाई है एंटीबायोटिक, क्योंकि देने को बोला ये है। वाली कल डॉक्टर ने दवा दी है थोर के लिए, और ये पाउडर है और ये पट्टी वगैरह दिया है। तो मैंने अभी खोल के ट्राई किया इसको लगाने के लिए मैंने ट्राई किया, पर ये भाई ने मुझे बांधने ही नहीं दी बिल्कुल। अरे कुछ नहीं, इनको जितना खुला रखो बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि उसको कुछ लगा है। बस तो वो देखो गाइस, वो ऐसे लटक जाता है, ये देखो। हाँ, अभी मुझे ऐसे मिला वो जो गाड़ी धोने वाले आए थे ना, मुंह निकलता नहीं है आज, पता है गाड़ी धो, देखो भागा भागा थोड़ी, नो प्रियांशी बाबू नहीं जा रहा। वो गाड़ी धोने वाले आए थे ना, तो मैंने दोनों गाड़ी अंदर से क्लीन करवाई उनसे, तो मैं उधर गई इतने में तो यहाँ चढ़ा हुआ। कल तो इसका मुंह उधर फंस गया, अंदर किसका, ये व्हाइट वाले का, कभी लगता है ये वाला ही सड़िया निकालना पड़ेगा कभी। अरे कुछ लेना है, फ्रूट वाला है, रखे हुए। ओ भाई ये भाई देखो एक्टिव हो गए, इतना चोट लगने के बाद भी ये देखो इसको कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। पर गाइस कल इसको काफी ज्यादा ब्लडिंग भी हुआ था, तो कल इसको भाई काफी ज्यादा ब्लडिंग हुआ था, पता है। ए तो ओली बेबी क्या हो गया था? नो बेबी नो, देखो ये देखो, कोई नहीं है, चल लग जाएगा फिर तेरे पैर में लग जाएगा दोबारा से। पोछा चाहिए मुझे। क्या वो पेरू ले रही है? पेरू खाएगा शेरू। घूमी चलेंगे। ओ देखो घूमी जाने के लिए तौरी की मम्मम फटाफट से बन रही है। अभी मेरे को सब्जी भी बनानी है, आज तो बहुत लेट हो गया, संडे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तौरी संडे पसंद नहीं है तुझे भी? वैसे पसंद है कहीं घूमने जाना हो तो, पर वैसे पसंद नहीं है कि मेरा काम पूरा लेट हो जाता है। घूमने जाना हो, देख वो भी वो बोल रहा है कहाँ घूमने जाना हो। है सॉरी, योगा वर्कआउट रहते हैं ना रोज, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। कितना लिया बेटा? 70 का 500। कितना किया भैया? 70 का 500 पे थोड़ी देंगे हम। ओ तौरी तू ही जाएगी ना जब तुझे खाना है। तुझे पेरू खाना है तो कौन जाए? ये वाला पेरू इसको खाना था काफी टाइम। इसको नाशपाती अलग होती है, वो दिखने में यही होती है, पर ये बहुत सॉफ्ट होता है, वो हार्ड होती है। तो फिर तूने मुंह पे क्या लगाया है? ये कुछ है पैक वगैरह, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है ना तो मुझे पिंपल हो जाता है। पैक कौन सा पैक? फेस पैक। अच्छा मुझे लगा कि वो वाला पैक। ओ तौरी इधर आ, तौरी इधर तो आ, सबको बता तो सही कहाँ चोट लग गई। कहीं नहीं लग, रहने दे बेटा है यहाँ, जा दे दे तू। इसके तो बचे ही हो, मैंने सुन ले। तू क्या करेगी? वो स्कूल में कैंटीन के लिए। ओ डेली कैंटीन के लिए पैसे चाहिए। इतना ही 40। ओ थोड़ी कौन आया थोड़ी, स्पीक कर दे। ओ वो स्पीक कर दो। क्या नहीं लाए? तो देखो बार्गेनिंग कर लिए प्रियांशी ने, 10 रुपए बचा लिए। ए थोरी तो थोरी कह रहा है 60 भी क्यों लिया, मैं बताऊं क्या? कल से गली में आना है कि नहीं आना है थोरी? बता दे कल से गली में आना है कुछ बेचने के नहीं आना है? मेरा डर नहीं है क्या तुझे? ए बेटा नहीं, देखो भाई प्रियांशी के पास तो पैसा ही पैसा। सफेदी क्या कह रहा है तू? सफेदी पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहा है। अरे इनको खाना नहीं मिला क्या सफेदी को? तो भी वो तौरी चल, तेरी मम्मा रेडी हो गई। और वो देखो दर्शन कर रहा है मंदिर में, वो देखो देख रहा है कौन कौन से भगवान बैठे हैं मंदिर में। कहाँ गई? देख रहा है। सो देखो बन के रेडी हो चुकी है थौर की मस्त हल्दी वाली खिचड़ी। अब थोरी बेबी आज हल्दी वाला खाएगा है? और आज हम लोगों को अबे इसमें नहीं है सब्जी, टिंडोड़े। टिंडे टिंडोड़ा टिंडोड़ा ये क्या होता है? टिंडोड़ा का होता है ये बिंडोड़ा, क्या होता है टिंडोड़ा जल्दी बता। ओ भाई ये वाला भाई देखो क्या हो गया। इन सबको गाइस खाना मिल चुका है, खाली थोर बेबी बाकी है। तो और प्रियांशी दही निकाल, दही वही डाल के इसको दे दे। ठंडा करना है, ज्यादा गर्म है, बहुत गर्म है, भूख लगी है इसको जोर से भूख। अभी इसके लिए ठंडा करते हैं ये, और दही तो थोड़ी सी थी क्योंकि कल मैं योगा में अभी आज था नहीं। देखना पर कैसे देख रहा है, देख खाने को। आज जिम में छुट्टी थी तो मैं गई नहीं थी सुबह में, पर हाँ इतनी इनफ है दही,
और थोड़ी सी छाछ भी डाल देंगे इसको। चलो बेबी खा लो तो मम, खा लो। इसको एकदम ठंडी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत गर्म है। देखना ये जल ना जाए मुंह इसका। बहुत अच्छी बनी है ये, यानी एकदम अच्छे से फूल गए दाने मस्त। ए दोरी आज तो वैरायटी गाइस के लिए खिचड़ी वैरायटी है। हाँ वैरायटी है क्योंकि बाकी सब तो खाता रहता है। हाँ और इसके जो दाने हैं ना पेडिग्री वाले वो इसको कम पसंद है, ये सब चीजें ज्यादा पसंद है। ए बेबी आज खाएगी और ही बेबी आज मस्त खाएगी। और ये बेबी अब आज वहाँ नहीं देखेगी, वो यही की यही घूमेगी। आज एक्टिव नहीं हो रहा वीडियो बनने में। और देखो उसका पूरा ध्यान यहाँ खिचड़ी में है, तो वो पीछे भी नहीं देख रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो, ब्लॉग में नहीं देख रहा है। वो उधर ही बैठा हुआ है मम्मा। अबे तुझे नहीं मिलना उधर, कैसे आया मम्मा के नाम पे? उसको दे दिया है, उन लोगों ने खा लिया है अपना खाना। चलो तो इसको भी दे दो फटाफट से। तो दो गाइस देखो बन के रेडी हो चुकी है थॉर की मस्त। छाछ मिला दी है तो इसको अच्छे से खाने में भी इजी। और देखो इसकी देखो लाड़ टपका रहा है, देखो इसकी लाड़ देखो की लाड़ कैसे टपक। अब देखो ये सब चीज मानेगा। चलो तो गाइस इसी खिचड़ी के साथ एंड करते हैं ब्लॉग का। इसको हम लोग खिचड़ी पीछे देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे। गाइस अभी भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा है चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खोल दो मोटिवेशन। सो गाइस चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आए रुकेगा, अब रुकेगा नहीं वो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।